आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो स्टूडेंट्स तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कंसीडर रेगुलर पॉलीगॉन्स विद नंबर ऑफ साइड n 3 4 5 एशोन इन द फिगर द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द पॉलीगन इज एट हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड देर ऑल ऑन अर्जोनटल सर्फेस अबाउट द लीडिंग वर्टेस विदाउट स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग एज डिपेक्टेड द मैक्सिम हाइट ऑफ द लोकस ऑफ देंटर ऑफ मास पॉलीकॉन इज डेल्टा देन डेल्टा डिपेंड्स ऑन एन एन एच एज तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे रेगुलर पॉलिकॉन है ठीक है मतलब की आइडेंटिकल साइड लेंथ हो गया सबका जो साइड लेंथ सब बराबर इक्वल है और एन जो है वो थ्री फोर फाइव स्टेप्स हो सकता है थ्री के लिए देखिए ट्राइंगल बन जाता है फोर किलिक स्क्वायर है फाइव के लिए, लिए पेंटावन है तो सिक्स किलो स्तर से हेक्सागन होगा उस तरह से कंटिन्यू करेगा तो जो तो सेंट्रो मास है वो ग्राउंड से हाइट एच पे रहता है सबका ठीक है तो ये रोल करता है यानी कि ये टर्न करता है इस टाइप से और जो तो लीडिंग वर्टेक्स यानी कि ये होता है सबका लीडिंग वर्टेक्स इसके अबाउट टर्न करता है विदाउट स्लिपिंग तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास का जो लोकस होता है मतलब कि सेंट्रो मास का यहाँ पे जोमेटिकल सेंटर पे है तो यहां पे होगा तो ये जो ये लोकस है फिर क्या होगा कि ये हाइट बढ़ेगा फिर मैक्सिमम फिर यहाँ पे डिक्रीज करने लगेगा तो हम लोग को फिर जो ये हो जाता है मैक्सिमम हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास पॉलीगन इज डेल्टा ठीक है मैक्सिमम हाइट क्या है डेल्टा है तो यहाँ पे देखिए जो मिनिमम हाइट है सेंटर ऑफ मास का वो हो सकता है एच ये मिनिमम हाइट है तो इसके अबाउट मैक्सिमम हाइट क्या हो सकता है क्वेश्चन पूछ रहे है हम लोग को जो मैक्सिमम हाइट इससे ऊपर जा सकता है वो हम लोग को निकालना है वो डेल दिया हुआ है तो कैसे निकालते हैं उसका रेशन क्या होगा तो मान लीजिए कि एक फिगर है जिसका साइड क्या है जैसे यहां पे ट्राइंगल में देखिए ट्राइंगल में क्या होता है कि तीन साइड है तो अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं ऐसे ऐसे तो जो एंगल होता है टू पाई जो टू पाई है वो तीन भाग में डिवाइड हो जाता है यानी कि ये क्या हो जाता है टू पाई बाई थ्री तो स्क्वायर के लिए बात करते हैं देखिए स्क्वायर हो जाता है तो स्क्वायर का सेंटर से यहां पे कितने पार्ट में एंगल डिवाइड हो रहा है यहाँ पे देखिए टू पाई जो है फोर पार्ट में डिवाइड हो रहा है यानी कि ये हो जाता है टू पाई बाई फोर तो इसी तरह से जो एन साइड का फिगर होगा मान लीजिए फिगर है इसका एन साइड है ठीक है कुछ ये एन साइड का फिगर है तो यहाँ पे कुछ बहुत सारे साइड्स होंगे ऐसे तो एन साइड का तो हर एक एंगल कितना हो जाता है हर एक एंगल इक्वल होगा इक्वल होगा सब एंगल मान थीटा मान लेते हैं उसे ये थीटा है तो थीटा इन टू एन इज इक्वल टू टू पाई हो जाता है थीटा क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा आपका टू पाई बाई एन तो यानी कि इस ट्राइंगल में जो ट्राइंगल होगा इसका एक ट्राइंगल हम लोग ऐसे लेते हैं तो ट्राइंगल में एंगल क्या होगा बीच में वो होगा टू पाई बाई एन ठीक है अब मान लीजिए ये जो सेंटर ये इसे सी मान लेते हैं हम लोग सी मान लेते हैं और ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट डी हो जाता है तो जो सेंटर जो जोमेटिकल सेंटर ऑफ सी पे है और हाइट कितना है एच पे है अब क्या होता है जब रोटेट करता है तो ये ट्राइंगल जो होता है ये ट्राइंगल उठ के ऐसा कुछ हो जाता है मतलब ये रोटेट करता है तो हाइपर के अबाउट क्या होता है पूरा ट्राइंगल ऐसे स्टैंड कर जाता है ठीक है ये एच था तो इसे हम मान लेते हैं डी डी मान लेते हैं और ये एंगल क्या है ये एंगल जो है क्योंकि ये अगर टोटल टू पाई बाई एन है और ये दोनों सिमेट्रिकल है ये ट्राइंगल ए सी डी और बीसीडी सिमेट्रिकल है तो ये हो जाएगा टू पाई बाई टू टू पाई बाई एन बाई टू यानी कि π by n ठीक है तो ये त्रिभुज में एंगल क्या होता है π by n अब इस त्रिभुज का d निकालते हैं हम लोग अगर ये h दिया हो ये d दिया हुआ है ये एंगल ये है π by n तो cos π by n से निकालते हैं cos π by n इक्वल तू h by d तो यहाँ से d क्या होता है d इक्वल तू h by cos π by n तो डेल क्या होता है अब निकालना था हम लोगों को डेल डेल है डिफरेंस ये जो ये जो डेल है ये डिफरेंस हम लोग निकालना है जो कि क्या हो जाता है डेल इज इक्वल टू डी माइनस एच अब डी क्या है डी है एच बाई कॉस पाई बाई एन है माइनस एच एच कॉमान लेते हैं तो डी हो जाता है डेल्टा हो जाता है वन बाई कॉस पाई बाई एन माइनस वन तो डेल्टा इज डेल्टा क्या हो गया डेल्टा मिल सकती है में डेल्टा हो जाता है हम लोग का डेल्टा इज इक्वल टू एच वन बाई कॉस पाई बाई एन माइनस वन तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है 3, H, में 1 cos, pi n, 1. से लेके नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करें डाउट नटा या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर